यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को समाजवादी पार्टी लगातार छोटे दलों को जोड़ने में जुट गई है। आपके संजय सिंह, रालौद के जयंत चौधरी और अपना दल के कृष्णा पटेल से अखिलेश यादव की मुलाकात के बाद आज जनसत्ता दल के अध्यक्ष और निर्दलीय विधायक राजा भैया मुलायम सिंह यादव से मिलने पहुंचे। मुलायम सिंह और राजा भैया के बीच मुलाकात को लेकर लखनऊ के सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई। बता दें, सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव से मुलाकात के बाद रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने कहा कि ये सिर्फ औपचारिक मुलाकात है, इसे राजनीतिक रूप ना दिया जाए। उन्होंने कहा कि सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर आशीर्वाद लेने और बधाई देने मैं हर साल आता हूँ और इस बार भी आया था। इधर सियासी गलियारों में उत्तर प्रदेश के कुंडा से 6 बार के विधायक राजा भैया और मुलायम सिंह के बीच मुलाकात को लेकर चर्चा तेज हो गई है। राजा भैया 2012 से 17 की अखिलेश सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं और अखिलेश यादव से उनका संबंध बेहतर है। 2019 के चुनाव से पहले यूपी में राज्यसभा का चुनाव हो रहा था तो उस वक्त भी राजा भैया अखिलेश यादव के भोज में शामिल हुए थे। दरअसल मुलायम सिंह ने निर्दलीय मंत्री बनाया था राजा भैया को। 2002 में बीजेपी विधायक की शिकायत पर मायावती की सरकार ने राजा भैया को जेल भेज दिया था। इस दौरान मायावती सरकार ने राजा भैया पर कोटा कानून भी लगा दिया था। हालांकि जेल से ही राजा भैया निर्दलीय चुनाव जीत गए, जिसके बाद मुलायम सिंह यादव ने अपनी सरकार में उन्हें मंत्री बनाया था। अब राजा भैया और अखिलेश यादव की मुलाकात कितनी सार्थक होती है और सपा के साथ राजा भैया एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे 2022 में, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट न्यूज़।